हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप दोस्तों कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। और दोस्तों, मैं रोज़ की तरह टिप और ट्रिप आप सभी के लिए कुछ ऐसे लेके आ चुकी हूँ कि इस टिप के जरिए आपका काम तो आसान हो गई और दोस्तों साथ ही साथ आपका टाइम भी और पैसे भी बचने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, टिप्स को जल्दी से जल्दी शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव वुमन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पहला है टिप, मैंने गैस को जला लिया है और गैस के ऊपर मैंने रख दिया है तवा। दोस्तों, हम तवा तो रोटी बनाने में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज मैं इसके ऊपर प्याज सेकने वाली हूँ। और प्याज को मैं क्यों सेकूँगी, इसको जानने के लिए वीडियो में बने रहिएगा। अब देखिए, प्याज को मुझे ऐसे ही काट लेना है छिलके से ही। जिधर से मैं काट रही हूँ प्याज को, जो अंदर वाला पार्ट है मुझे, यानी कि जो लिक्विड वाला पार्ट है मुझे, इसको अंदर रखना है। अब देखिए, इसी तरीके से मैं काट के और इसके ऊपर जो भी स्लाइसें हैं मैं इसको रख देती हूँ। यकीन मानिए दोस्तों, ये जब ट्रिक आप एक बार आजमाएंगे ना, इसको आप बार बार ट्राई करेंगे। अब देखिए, जितने भी स्लाइस हैं मैं इसको काट के, और आगे भी मैं बताऊंगी कि मुझे इसको कैसे और कहाँ इस्तेमाल करना है। तो चलिए, जितने भी स्लाइस हुए मैंने इसको काट लिया है, छिलके सहित ही काट लिया है। और आगे मैं बताती हूँ कि जब मैंने गैस को जला लिया है और इसको एक साइड से मुझे गर्म होने देना है, और एक साइड से जब ये अच्छी तरीके से हल्का सा गर्म हो जाए तो मुझे इसको पलट लेना है। और मैंने ले लिया है विक्स, अब देख पा रहे होंगे विक्स ले लिया है। अब इसको पलट लेना है। तो जिस तरफ ये गर्म हो चुका है, अब आप देख पा रहे होंगे जिस तरफ ये गर्म हो चुका है, तो उधर की तरफ मुझे ये जो विक्स है ना, मुझे थोड़ा सा विक्स को रफ़ कर लेना है, क्योंकि ये जो गर्म प्याज है, गर्म प्याज के ऊपर मुझे अपने हाथों से विक्स लेके इसको लगा लेना है। इसका दोस्तों रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलता है और काफ़ी हेल्पफुल भी है। तो इसको थोड़ा सा मैं जैसे कि रखी हूँ, तो इस तरफ भी मुझे इसको गर्म कर लेना है अच्छी तरीके से, ताकि जो इसकी हीटिंग है ना, अच्छी तरीके से प्याज में आ जाए। अब चलिए दोस्तों, मैं इसको आगे भी बताती हूँ। गैस का फ्लेम कर दी हूँ बंद। अब इसको थोड़ा सा हल्का सा ठंडा करने के बाद मैं बताती हूँ कि इसको मुझे कैसे इस्तेमाल करना है। अब देखिए, हम सभी के घर में छोटे बच्चे रहते हैं या बड़े रहते हैं, लेकिन कभी ऐसा होता है ना, टाइम की बात तुक्के की बात होती है, कि कभी अचानक कानों में दर्द हो जाता है। कानों के आसपास जब दर्द हो जाता है कानों में, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो इस तरीके से जो प्याज का मैंने सॉल्यूशन बनाया हुआ है, इस तरीके से कानों के चारों तरफ रख दीजिए। और रखने से इससे क्या होगा ना, कि जितने भी आपके कानों में दर्द है, बच्चे हों या बड़े हैं, उनके लिए बहुत ही यूजफुल ट्रिक है। इस तरीके से रख के या किसी कपड़े से बांध दीजिए, या तो इस पर कपड़ा लगा के आप टेप भी लगा सकते हैं, जो कपड़े वाले टेप आते हैं उसको भी आप लगा के इसको 1 से 2 घंटे छोड़ दीजिए। यकीन मानिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है। हम सभी के घर में बड़े बच्चे रहते हैं, लेकिन टाइम वक्त का नहीं पता कि कब किसके साथ क्या दर्द हो जाए। तो यकीन मानिए, इसको आप एक बार ट्राई करेंगे, अगर 100% इसका रिव्यूज मिलने वाला, अगर नहीं मिलेगा तो आप डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं। अब देखिए, अगला है टिप, ये जो एक्सपायरी मेडिसिन मेरे घर में बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोई कोई होता है कि एक्सपायरी जो मेडिसिन होता है उसको फेंक देते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं फेंकती हूँ। इस तरीके से जो मेरे घर में एक्सपायरी मेडिसिन वगैरह रहता है, कभी ऐसा होता है ना कि हमारे घर में पेशेंट रहते हैं और दवाई बहुत सारी आ जाती है, जब तबीयत वगैरह ठीक हो जाता है तो दवाई को हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो कुछ इसी तरीके से है, दवाई को ऐसे ही रखा हुआ है। तो आज मेरे दिमाग में आया कि दवाई को पाउडर बनाने के बाद, और मैं इसको क्यों ना और कहीं अपने तरीके से इस्तेमाल करूँ। तो चलिए, मैं बताती हूँ कि ये जो पाउडर है मुझे कैसे इसको इस्तेमाल करना है। कटोरी में मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है और जितना भी ये पाउडर था मैंने इसको घोल लिया है। और दोस्तों, हम सभी के घर में आपने देखा होगा जैसे कि इस तरीके के गमले, मैंने छोटे छोटे गमले यानी ये जेट प्लांट मैंने लगा रखा है। आप देख पा रहे होंगे ये 2 गमलों में जेट प्लांट है। दोस्तों, एक जेट प्लांट ऐसा होता है कि इसमें बहुत ही कम पानी का मात्रा होता है, ज़्यादा पानी डालेंगे तो ये गमला ख़राब हो सकता है। आप देख पा रहे होंगे मेरा एक सूखा हुआ एक गीला, ये जो जेट प्लांट है ये मेरा सूख चुका था, मतलब कि पानी का मात्रा ज़्यादा डाल दिया था, तो इसका जो माउथ वाला पार्ट था मैंने काट के इस गमले में लगा दिया है। अब देख पा रहे होंगे कि जिसमें मैं खुरपी से इसको कर रही हूँ, इसका माउथ वाला पार्ट काट के जो मेरा दूसरा हाथ है उस गमले में लगाती हूँ, काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो दोस्तों, जब भी आप कभी जेट प्लांट लगाते हैं तो जेट प्लांट में पानी का मात्रा बहुत ही कम रखना है। इससे क्या होता है कि पानी अगर ज़्यादा होता है तो ये जेट प्लांट सूख जाता है और बिल्कुल भी ग्रो नहीं करता है। तो सबसे पहले, अगर आप गमले के शौकीन हैं, तो इसको अच्छी तरीके से खुरपी से इसको खोद लेना है
और खोदने के बाद इसको थोड़ा सा हवा पानी लगने देना है, और हवा पानी लगने के बाद थोड़ी सी मिट्टी इसका मतलब ये नेचुरल हो जाएगा, अब बढ़िया हो जाएगा। अभी जो मैंने मेडिसिन को इस तरीके से पानी में घोला हुआ है, तो इस तरीके से आप इस मिट्टी को थोड़ा सा सूखने के बाद ये जो मेडिसिन है ना, हम जब इसके ऊपर इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही काम आता है। आप देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छा मेरा ये जेट प्लांट चल रहा है। अब मैंने पानी की मात्रा बहुत ही कम कर दिया है, ये मैंने काट के लगाया हुआ था। दोस्तों ये जो जेट प्लांट की टहलियाँ होती हैं ना, ये भी लग जाती हैं। अब देखिए अभी ऊपर वाला माउथ वाला पार्ट मैंने इसको भी काट दिया। अब जो मेडिसिन का ये मैंने घोल बनाया हुआ है, तो अब इनमें मैं थोड़ा थोड़ा डाल दूंगी। अब देखिए इसका जो ग्रो है ना काफ़ी अच्छा चलेगा, और जो इसमें छोटे छोटे चींटी बैक्टीरिया वगैरह लगे रहते हैं वो बिल्कुल ओके हो जाएगा। और इनके पत्तों के ऊपर डाल देना है, यकीन मानिए जब इस ट्री को आप एक बार आजमाएंगे, गमले वगैरह की जब शौकीन है ना, तो बहुत ही हेल्पफुल है दोस्तों। तो छोटे छोटे टिप और ट्रिप के जरिए दोस्तों आप इस तरीके से अपने घर के कुछ कामों को आसान कर सकते हैं। अब देखिए कुछ मेरे पास और भी रखा था मेडिसिन का ये पानी घोला हुआ, तो मैं इन्हीं जेट प्लांट में ही थोड़ा पत्ती वगैरह पे डाल दूंगी। और मेरे पास मनी प्लांट भी काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। मैं ये जो मेडिसिन का जो पानी होता है बिल्कुल भी नहीं फेंकती हूँ, एक्सपायरी जो मेडिसिन होता है उसको मैं घोल के ही इसी तरीके से ही इस्तेमाल करती हूँ। तो अब मैं इसी तरीके से डाल के, अब जेट प्लांट को दोस्तों क्या होता है, इसको धूप बहुत ज़्यादा चाहिए। ये जेट प्लांट है ना, ये छाया में बिल्कुल भी नहीं चलता है, इसको कम से कम दिन में 2 से 3 घंटे धूप तो चाहिए ही चाहिए। तो इस ट्रिक को दोस्तों आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, मेरे तरीके से बहुत ही कमाल की ट्रिक है। अब देखिए इसका जो माउथ वाला पार्ट था ये टूट चुका है, तो मैं इसको इस्तेमाल करूँगी और आगे मैं वीडियो में बताऊँगी कि मुझे इसको कैसे लगाना है और कैसे करना है। तो इस ट्रिक को दोस्तों आप अगर जेट प्लांट के शौकीन हैं तो आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ये जो मेडिसिन मेरे पास बहुत सारे एक्सपायरी दवाइयाँ रहती हैं, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकती हूँ, और मैं इसी तरीके से अपने जेट प्लांट और मेरे घर में जो पेड़ पौधे हैं मैं इसी तरीके से ग्रो करती हूँ। कम से कम महीने में 1 से 2 टेबलेट्स मैं इसको पीस के पानी में घोर के मैं अपने प्लांट के ऊपर और गमले वगैरह के ऊपर मैं डाल देती हूँ। अब देखिए करेला ही ले लीजिए, हम सभी के घर में करेला हर कोई खाना पसंद नहीं करता है, यहाँ तक कि बड़े भी नहीं खाना पसंद करते हैं, तो बच्चे तो बहुत दूर की बात होती है। लेकिन दोस्तों करेला खाना अच्छी बात है, लेकिन करेला इतना कड़वा होता है कि किसी किसी को बिल्कुल भी नहीं पसंद होता है। तो मैं इसी के लिए दोस्तों छोटा सा टिप है कि जब भी करेला आप काटते हैं तो इसमें पहले नमक को ऐड कर दीजिए। नमक जब ऐड करेंगे तो देखेंगे जितना भी कड़वापन रहता है ना करेले का, वो बहुत ही अच्छी तरीके से रिमूव हो जाता है। और दूसरी बात दोस्तों, जब इसको नमक मिला के रखेंगे आधा घंटा पौन घंटा जब आप रख देंगे, अगर आपके पास टाइम है तो और भी लंबे समय तक के रख सकते हैं, इससे क्या होगा कि करेला आपका सॉफ्ट हो जाएगा और जब पकाएंगे तो जल्दी भी पकेगा। और दूसरी बात, ये जितना भी करेले का कड़वाहटपन है बिल्कुल वो ख़त्म हो जाता है। तो चलिए मैंने इसको रख दिया है, आगे की भी प्रोसेस बताती हूँ कि मुझे क्या करना है। अब देखिए अब 1 से 1.5 घंटा हो चुका है, करेले में काफ़ी पानी छोड़ चुका है, या पानी जो छोड़ता है आपने देखा होगा जितना कड़वापन रहता है बहुत ईजीली तरीके से निकल जाता है। अब इसको मैं धुल के इसको मैं इस्तेमाल करूँगी। अब इसको आप बनाएंगे इस तरीके से तो बिल्कुल भी कड़वापन नहीं आएगा, और यहाँ तक कि बच्चे भी इसको इस्तेमाल कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, छोटा सा ट्रिक है पर ये बहुत ही काम का है। अब देखिए हम सभी के घर में ब्रेड रहता है, लेकिन होता क्या है, ब्रेड तो हम खाना सभी पसंद करते हैं, लेकिन ब्रेड ले लेते हैं लेकिन जो ब्रेड की पन्नी होती है ना ये खुला ही रह जाता है। धीरे धीरे आपने देखा होगा ये जो ब्रेड है हार्ड हो जाता है। और दूसरी बात, ये जो ब्रेड इसमें चींटियाँ वगैरह भी चली जाती है। दोस्तों ब्रेड को इस तरीके से फोल्ड करके और इसको पलट के पन्नी को इसी के ऊपर कवर कर देना है, तो आपका ब्रेड सॉफ्ट रहेगा, हार्ड नहीं होगा। तो दोस्तों मैं यही पे अपने वीडियो को हैंड भी करती हूँ। इसमें से टिप और ट्रिक आप सभी कुछ पसंद आता है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब भी कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।